कॉटन की कीमतों में तेजी का रुझान बनता दिखाई दे रहा है। अगर कमोडिटी एक्सपर्ट्स की माने तो निकट भविष्य में कॉटन के भाव में मजबूती के रुझान के साथ भाव 34,000 रुपए से 35,000 रुपए प्रति गांठ तक कारोबार कर सकते हैं। जानकारों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में आवक कमजोर रहने की वजह से घरेलू हाजिर बाजार में कॉटन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बाजार जानकारों का मानना है कि शॉर्ट टर्म में कॉटन के भाव 34,000 से 35,000 रुपए प्रति गांठ तक जा सकते हैं। दरअसल किसान अपने स्टॉक को होल्ड करने के साथ ही मौजूदा भाव पर अपनी फसल को मंडियों में नहीं ला रहे हैं और यही वजह है कि कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही आईसीई कॉटन में आई मजबूती से भी घरेलू बाजार में कीमतों को सपोर्ट मिला है। इसके साथ नवंबर के महीने को भारी आवक के लिए एक महत्वपूर्ण महीने के तौर पर माना जा रहा है, लेकिन इस साल नवंबर में अभी तक कपास की कुल आवक 1,68,763 टन दर्ज की गई है, जो कि पिछले साल की समान अवधि के 2,39,285 टन की आवक से लगभग 29.5% कमजोर है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश भर की प्रमुख मंडियों में कपास की दैनिक आवक बढ़कर 1,04,000 गांठ तक हो चुकी है, जबकि पिछले हफ्ते 85,000 से 95,000 गांठ आवक देखने को मिली थी। वहीं एक्सपर्ट्स मानकर चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में कपास की आवक में बढ़ोतरी की संभावना है। नवंबर के दौरान भारी आवक के बावजूद भाव का ऊपरी लेवल पर रहना टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए चिंताजनक स्थिति है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी अपनी मौजूदा क्षमता का सिर्फ 35 से 35% ही ऑपरेशन कर पा रही है। हालांकि इस साल हालात अलग हैं, क्योंकि कपास की आवक में तेजी आना अभी बाकी है। कारोबारी और स्पिनिंग मिलें अभी बाजार की दिशा को लेकर काफी चिंतित हैं, जबकि गुजरात में किसान फसल को होल्ड कर रहे हैं और गुजरात चुनाव के बाद फसल को बाजार में निकाल सकते हैं। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कॉटन की कीमतों में स्थिरता के लिए फिलहाल खुले बाजार से जीनिंग की हुई कॉटन की खरीदारी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।